मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल कोठारी जी, सूरत के लोकप्रिय विधायक और गुजरात के सबसे युवा विधायक और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हर्ष सांघवी जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तमिलनाडु के रहने वाले और बड़ी अच्छी हिंदी बोलने वाले प्रिय मुरुगानंदम जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई शिव भूषण जी, सभा में उपस्थित युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए प्रिय मित्रों, मैं सबका एक बार फिर लंबे समय के बाद युवा मोर्चा की द्वारा की गई कोई कार्यशाला और उसमें भी आप सब लोग भारी उपस्थिति में यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। मित्रों, पंच क्रांति इस विषय पर आने से पहले मैं एक बार युवा मोर्चा के पिछले चार पांच वर्ष के इतिहास पर या फिर मैं कहूँगा कार्यकाल पर नज़र दौड़ाना चाहूँगा। पिछले पांच वर्ष हम विपक्ष में थे, 2009 से 2014 का कार्यकाल हमारे लिए एक ऐसा था कि कांग्रेस कोई गलती करती थी तो हमें दिखाने का अवसर मिलता था, किसी की गलतियों पर उंगली उठाना प्रदर्शन करना ज़्यादा आसान है, मीडिया के लिए भी एक चर्चा का विषय बनता है और अगर आप कुछ बहुत अच्छा करो तो शायद मीडिया उसके लिए दिखाने के लिए बहुत जल्दी तैयार भी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सकारात्मक कार्य करने बंद कर दें। अगर हम अपने कार्यकाल की भी बात करें, अगर सन 2010 में युवा मोर्चा में काम करने का हमें उस समय अवसर मिला तो युवा मोर्चा का सबसे पहला कार्यक्रम था तो इंडिया फर्स्ट था, जिसको लेकर देश भर के कोने कोने में हम देश के युवाओं से यही अपील करते थे कि आपको भारत के बारे में पहले सोचना है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। और शायद इसी मूल मंत्र पर लगातार हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता काम करते रहे। यही कारण था कि सन 2010 में जिम्मेदारी मिलने के बाद पहले तीन महीनों के अंदर ही दिसंबर 2010 तक हम सब ने देश के 20 राज्यों में जाकर इंडिया फर्स्ट के अंतर्गत बड़े बड़े कार्यक्रम करके देश के नौजवानों को जागरूक करके उनमें राष्ट्रवाद की भावना को और कूट कर भरना, इन सब प्रयासों के माध्यम से जब हमें लगा कि अब कश्मीर के ऊपर संकट है, यूपीए की सरकार कश्मीर को अलग करना चाहती है, दे वर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्टेट ऑफ कश्मीर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने की बात की जाती थी, वहां पर हमारे सैनिकों के ऊपर पथराव होता था, 2500 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, इन सब विषयों को लेकर देश में कोई राजनीतिक दल नहीं बोलता था। उस समय भी अगर पूरे देश में आवाज किसी ने उठाई तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली कलकत्ता से उनकी बलिदान स्थली कश्मीर तक 12 जनवरी से 26 जनवरी तक की वो 4400 किलोमीटर की यात्रा, अगर मैं कहूं कि युवा मोर्चा के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यक्रम कोई हुआ है तो आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से वो हुआ है, जिसने पूरे देश भर के युवाओं में देश के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति एक नई भावना को बनाया।
जब हम उन चुनौतियों से लड़े, उस समय आसान नहीं था मित्रों। कश्मीर के लाल चौक पर हजारों सैनिक इसलिए तैनात किए गए थे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कहीं कश्मीर के लाल चौक पर श्रीनगर में तिरंगा झंडा ना फहराते। अपने ही देश में तिरंगा झंडा फहराना एक अपराध हो गया था। पूरे देश भर से हजारों कार्यकर्ता माधोपुर बॉर्डर पर, पंजाब की सीमा और जम्मू कश्मीर की सीमा पर तैनात। सारे बेचैन थे, उत्सुक थे, जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर जाने के लिए तैयार थे। और जब मुझसे ये कहा गया पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा कि केवल 500 लोगों को 50,000 की से ज्यादा तादाद युवा संख्या में से लेकर साथ में जाना है, मेरे लिए शायद इससे मुश्किल निर्णय करना कोई नहीं था कि 60-70 हजार नौजवान वहां पर मौजूद हों और आपको कहा जाए कि केवल 500 जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर जाएंगे। उस पुल की हालत यह थी कि अगर हम सब लोग उस पुल पर चलते तो न जाने उस दिन क्या क्या हो जाता। दूसरी तरफ से कई सेना की टुकड़ियां, कई जम्मू कश्मीर की टुकड़ियां लगी हुई थी कि अगर अंदर आने का प्रयास करोगे तो शायद गोली ना चल जाए। लेकिन जोश युवा कार्यकर्ताओं का देखने को नहीं बनता था कि उस नदी में जो ठंडा पानी चल रहा था उसके बीच में से निकलकर भी आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चले गए और अपनी वहां पर जाकर गिरफ्तारी दी। और दूसरी ओर कश्मीर श्रीनगर में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता कई दिन पहले गुजरात के अध्यक्ष प्रदीप सिंह वघेला और हर संघ भी उस समय भी थे, जो उस समय भी 7-8 दिन पहले जाकर श्रीनगर के होटल में लाल चौक के सामने रुक गए। हमारे कई और पदाधिकारी कार्यकर्ता देश के कोने कोने से आए, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में श्रीनगर में जाकर रहने लगे। जिस तरह से उस समय इनके साथ हुआ, ये बातें मैं इसलिए याद करवा रहा हूं कि किस समय से हम गुजरे हैं। जब इनको गिरफ्तार वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को किया गया और जेल में ले जाकर जब बंद किया गया, तो उस पूरे रास्ते में भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नारे, इनकी आवाज दबने की बजाय इनकी आवाज 10 गुना ज्यादा सुनने को मिल रही थी। तो भारत माता के सपूतों में जोश था कि अपने देश के अंदर लाल चौक पर तिरंगा फहराने से हमें कोई रोक नहीं सकता। श्रीनगर की जेल में जब जाकर इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, तो मुझे याद है वो कार्यकर्ता आज भी आकर बताते हैं, क्योंकि हर संघवी जी के और प्रदीप सिंह वघेला जी और हमारे साथ में दो और कार्यकर्ता, एक के हाथ पैर तोड़ दिए गए, एक की टांग तोड़ दी गई। इनके शरीर पर इतने नील के निशान थे, शायद आजादी के समय अंग्रेज उतना जुल्म ढाते होंगे। किस हालात में हम लोग वहां से निकले, लेकिन एक देश में एक नया जुनून, जज्बा, एक चर्चा की शुरुआत हमने कर दी थी, जो कांग्रेस एक शुरुआत करने पर लगी थी कि कश्मीर को भारत से अलग करना है, अलगाववादियों को और बल देना है, भारत के सैनिकों का अपमान करना है। वो अगर कहीं पर रुक पाया और थम पाया तो केवल आपके कारण, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के कारण रुक पाया था। जैसे ही वो खत्म हुआ, इसी सभागार हॉल में हम लोग एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद थे, सबको सम्मानित यहां पर लाकर किया गया। नई चुनौती शुरू होगी, साथ ही साथ कांग्रेस के घोटाले निकलने शुरू हो गए। पार्टी की ओर से आया कि कौन क्या कार्यक्रम करेगा। और जब ये सब हुआ तो हमने ये तय किया कि पूरे देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दौड़, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यक्रम करेगा तो युवा मोर्चा करेगा। सभी राज्यों के मंडल स्तर पर जाकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहीं पर मैराथन का आयोजन किया, कहीं पर पैदल मार्च किया, कांग्रेस के घोटालों को देश के सामने उजागर किया। और समय के साथ साथ जब कांग्रेस के घोटाले खत्म नहीं होते थे तो आपके कार्यक्रमों में भी एक नई क्रिएटिविटी आनी शुरू हो गई। कोई घोटालों की बारात कहीं पर निकालता था छत्तीसगढ़ से लेकर कोई दिल्ली की सड़कों पर,
कहीं गधे घोड़ों पर बिठाकर कांग्रेस के नेताओं को लेकर जाया करते थे। उनके काले कारनामों को हम देश के सामने अलग अलग ढंग से पेश किया करते थे और कहीं ना कहीं मीडिया के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनते थे, जिसके मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में उनके गलत कार्यों को बता सकते थे। जब ये लगा कि छोटे कार्यक्रम बहुत हो गए तो अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को हमने ये तय किया कि पूरे देश भर के युवाओं को दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना है। लगभग 1 लाख के लगभग उस समय संसद घेराव का कार्यक्रम किया गया। देश के कोने कोने से लगभग 1 लाख नौजवान यहां पर जुटे और इतना जोश उस रामलीला मैदान के कार्यक्रम में था कि रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक हम सब पैदल एक काफिले के रूप में आए। शांतिपूर्वक हमारा कार्यक्रम चल रहा था, हमने केवल संसद घेराव करना था, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर हमें इमरजेंसी के समय का याद करवा दी और जिस तरह से उस दिन लाठियां बरसी, जिस तरह से पानी की बौछार आई, जिस तरह से आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर फेंके गए, मानो ये नहीं लगता था कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस के बुरे कारनामों को दिखाने के लिए आए हैं, बल्कि हम अपराधी हैं और कांग्रेस हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। देश भर के मीडिया ने उसको पूरी दुनिया भर में दिखाया। शायद कमियां कहीं अपने बीच में ही रह गई कि उस कार्यक्रम के बाद भाजपा उसको किसी और स्तर पर ले जा सकती थी, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग अपना आंदोलन शुरू करके वो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम पैदा करने वालों की सारा क्रेडिट वो लेकर जाने शुरू हो गए। जमीन पर 1.5 से 2 हजार कार्यक्रम करने के बावजूद, दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम करने के बावजूद, शायद जिस तरह की बैकिंग हमें पीछे से चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, लेकिन हमारा जो काम करना था हमने वो किया। उसके बाद अगर कई मंत्रियों की जिनकी चर्चा आदरणीय वेंकैया जी ने यहां पर की कि कांग्रेस कहती थी हमारे 6-6 मंत्रियों के इस्तीफे करवाए, तो किसने करवाए? वो भी सड़कों पर युवा मोर्चा ने, कभी प्राइम मिनिस्टर के घर का घेराव, कभी पवन बंसल के घर का घेराव, कभी सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर का घेराव। ये पिछले 5 वर्षों में अगर सड़कों पर आंदोलन किसी ने किया है तो पूरे संगठन में किसी ने किया है तो केवल युवा मोर्चा ने किया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यह माहौल आप लोगों ने देश भर में उत्पन्न किया। चुनाव का समय आया तो उससे पहले 1 करोड़ नौजवानों को हमने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य के रूप में देश भर में पार्टी के साथ जोड़ा। पूरे चुनाव में युवा मोर्चा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि हर कार्यक्रम में, हर चुनाव में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जिन अच्छे दिनों की बात हम करते थे चुनाव से पहले, वो हमने जनता से वायदा किया कि 5 वर्षों में इस देश के अच्छे दिन हम ला कर देंगे, और हमारी पार्टी और सरकार के जितने भी निर्णय उसके बाद हुए हैं वो एक एक करके दिखाता है कि हमारी सरकार सही दिशा पर देश को आगे बढ़ाने वाले सारे कदम उठा रही है। लेकिन शायद कुछ लोगों को वो बात हजम नहीं हो पा रही, पच नहीं पा रही। कांग्रेस इस बात का आज तक जवाब नहीं दे पाती कि कोयले की 204 खदानें उन्होंने मुफ्त में बांट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अबांटन को रद्द किया, और जब हमारी सरकार बनी तो हमने उनमें से मात्र 32 कोयले की खदानों की ई ऑक्शन की, ई नीलामी की, और उसके माध्यम से 3,14,000 करोड़ रुपया प्रदेश और देश की कमाई की, तो हमारी सरकार ने की। 2G स्पेक्ट्रम कपिल सिब्बल कहते थे जीरो लॉस हुआ है। 20 दिन से कम चली उस ऑक्शन में हमने 1,17,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। पारदर्शिता हम सिस्टम में लेकर आए, जवाबदेही हमने नेताओं की तय की। और यही नहीं मित्रों, सबसे बड़ा काम था कि देश की छवि को बदलना। जो नाम कांग्रेस के काले कारनामों के कारण एक गंदी छवि भारत की बनी थी, भ्रष्टाचार के रूप में भारत को देखा जाता था कि दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो भारत में है, उस छवि को बदलना, निर्णय ना लेने की क्षमता जो भारत के उस समय की सरकार में थी उसको बदलना एक अपने आप में चुनौती थी।
लेकिन शायद ये मोदी जी का नेतृत्व ही था, ये उनकी कार्यशैली थी, जनता का उनके ऊपर विश्वास था कि दुनिया भर में एक साल से कम समय में अगर भारत की छवि को कोई अच्छी कर पाया है, केवल सुधार ही नहीं पाया बल्कि बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने कहा है अगले 10 से 20 वर्षों तक अगर कोई देश जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ बढ़ेगी तो वो कोई और नहीं भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ बढ़ेगी। ये मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है और ये सब निर्भर करता है तो जो कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किए उनकी सफलता के ऊपर निर्भर करता है। और पंच क्रांति कार्यक्रम क्या है मित्रों, एक बड़ा सुंदर वीडियो यहां पर चेतन ब्रागटा जी ने पिछले 2 दिनों में की दिन रात की मेहनत करके बनाया है। मैं पहले तो उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, केवल 2 दिनों में आपने एक बढ़िया वीडियो यहां पर बनाकर दिया। जब हम आपके सुझाव मांगेंगे आप उसमें सुझाव अपनी ओर से और दे सकते हैं क्या क्या इसमें बदलाव करने चाहिए। आखिर पंच क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमें यह नहीं लगता कि भारत को भी एक और क्रांति की जरूरत है? भारत और दुनिया ने बहुत सारी क्रांति देखी है, क्रांति समाज में बदलाव लेकर आती है और सही मायने में भारत को तो कई क्षेत्रों में क्रांति की आवश्यकता है, लेकिन हमने फिर भी अपने आप को पांच क्रांति तक सीमित किया है कि कम से कम इस सरकार के 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। किस तरह से ये पंच क्रांति कार्यक्रम के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को, सरकारी कार्यक्रमों को संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे? अधिकतर ये देखा जाता है कि सरकार बड़े अच्छे काम करती है लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भी उन कार्यक्रमों के बारे में पता नहीं होता। अधिकतर सरकार के अच्छे काम करने के बावजूद संगठन निष्क्रिय रह जाए तो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों में बातचीत या उसकी आलोचना खत्म नहीं होती। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक समाज को जागरूक नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी और जानकारी के अभाव में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे कार्यकर्ता को पता नहीं लेकिन जनता को सब पता है। पहले आपको जानना है फिर जनता तक पहुंचाना है। इस पंच क्रांति कार्यक्रम में सबसे पहले एक पंच क्रांति दूत होगा जो स्टेट की ओर से कोऑर्डिनेट करेगा। पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक होगा, फिर प्रदेश स्तर पर एक होगा, फिर जिला स्तर पर एक होगा, फिर मंडल स्तर पर एक होगा। उसके अलावा 5 अलग अलग क्रांतियों के लिए एक एक क्रांति दूत उसके लिए सिलेक्ट किया जाए, और ये क्रांति दूत कोई योग क्रांति दूत है, कोई कौशल क्रांति दूत है, कोई कन्या शक्ति क्रांति दूत है, कोई निर्माण क्रांति दूत है। तो इस तरह से आपको अपने अपने विषय को इफेक्टिव तरीके के साथ जनता तक पहुंचाना है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस प्रोग्राम को एक ऐसे दिन लॉन्च करें और एक ऐसे दिन समाप्त करें ताकि उस टाइम पीरियड के अंतर्गत, उस समय सीमा के अंतर्गत हम कितने लोगों तक पहुंचे। कल हमने पदाधिकारी बैठक की तो उसमें तय किया गया कि युवा मोर्चा 9 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक, 9 अगस्त से 9 सितंबर तक अवेयरनेस कैंपेन अपने संगठन में मंडल स्तर तक इसको लेकर जाएगा, कार्यकर्ताओं के बीच प्रोग्राम की जानकारी को लेकर, प्रोग्राम को आगे इंप्लीमेंटेशन के लिए उसको लेकर। लेकिन विधिवत रूप से अगर इसकी लॉन्च होगी तो हम इसकी लॉन्च 11 सितंबर के दिन करेंगे और इसका समापन 12 जनवरी के दिन करेंगे। 1 करोड़ लोगों तक, 1 करोड़ युवाओं तक हम अपनी बात को अगले 4 महीनों के अंदर पहुंचाएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है लेकिन जितना बड़ा हमारा संगठन है ये करना संभव है मित्रों।
हर क्रांति दूत के पास एक चुनौती होगी कि किस तरह से वो अपने कार्यक्रम में क्रिएटिविटी लेकर आए, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, लोग उस कार्यक्रम से जुड़ें। और सही मायने में अगर हम अपने देश में बदलाव देखना चाहते हैं, अगर सही मायने में हम स्वामी विवेकानंद जी का विश्व गुरु भारत को बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हमें हर क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। पहली शुरुआत मोदी जी ने की है, योग को यूनाइटेड नेशन में जाकर 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस के रूप में स्वीकृत करवाना, और 194 देशों ने 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। तो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है। अपने देश में कराना मुश्किल है, लेकिन 194 देशों में कराना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। दुनिया भर के पर्यटक यहां पर कैसे आए, दिखाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन गंदगी भी बहुत है। आज भी बच्चों में बदलाव बहुत है, लेकिन जो एक उम्र से ज्यादा बड़े हो गए उनको बदलना उससे बड़ी चुनौती है। हमारे पास युवाओं की सबसे बड़ी फौज दुनिया की है, लेकिन वो ट्रेंड मैन पावर में बदलना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये ट्रेंड मैन पावर हमारे पास होगी, लेकिन उसको रोजगार देना उससे बड़ी चुनौती है। उसके लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च करना उससे बड़ी, और उसको लागू करना उससे बड़ी चुनौती है। डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से हर परिवार हर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और कामकाज में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। समाज में बेटी के बिना समाज अधूरा है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। बेटी पढ़े लिखे ना तो परिवार भी अनपढ़ ही रह जाता है, और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी के ऊपर है तो महिलाओं के ऊपर नहीं, हम जैसे युवाओं के ऊपर है कि इस देश की हर महिला सुरक्षित रहे। इसके लिए नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है उसमें भी हमने सुधार कैसे करना है। हमने वही 5 कार्यक्रम लिए हैं जिससे सही मायने में जमीनी स्तर पर जाकर प्रभाव पड़ सकता है। लोगों तक हम जाएंगे तो ये नहीं कि मैं क्रांति दूत बन गया तो आगे कोई ना बने। उस कॉज को और कौन चैंपियन करता है, उसको कौन अपनाता है, उसको कौन और आगे लेकर जाता है। क्या मैं अपनी सोसाइटी में 5 नए क्रांति दूत खड़े कर सकता हूं? क्या मैं अपने मोहल्ले में 5 ऐसे लोगों को चुन सकता हूं जो आगे जाकर लोगों को ड्राइव करें? क्या मैं हर गली में 5 लोगों को इन 5 अलग अलग क्रांतियों के साथ जोड़ सकता हूं? क्या मैं सही मायने में एक नई क्रांति, एक आंदोलन इस देश में खड़ा करने के लिए अपने साथ साथ अपने मंडल से, अपने शहर से लेकर अपनी गली तक लोगों की ये जिम्मेदारी दे सकता हूं कि वो हमारे क्रांति दूत बने? अगर चुनाव से पहले आपको पता होगा हमने ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया, BJYM कैंपस एम्बेसडर, शायद इतने में कोई और विद्यार्थी संगठन इतने कार्यकर्ता खड़ा नहीं कर पाया जितने हमने ऑनलाइन BJYM के कैंपस एम्बेसडर खड़े कर दिए थे। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और मोदी जी से तो आज दुनिया भर के देश जुड़ना चाहते हैं। अगर मोदी जी से जुड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके कार्यक्रमों को नीचे तक लेकर जाएं, हम चाहते हैं कि सही मायने में हमारे देश में बदलाव आए। जो मूडी जैसी कंपनी रेटिंग करती हैं कि हमने चाइना को इस साल पीछे छोड़ा, हम अगले 20 वर्षों तक चाइना को विकास दर में पीछे छोड़ेंगे। क्या हम हिंदुस्तान के लोगों में एक नई जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, अगर गांधी जी के समय हो सकता था कि स्वदेशी का नारा दिया गया हो, आज मैं उसी नारे पर नहीं जाता लेकिन उसकी भावना के पीछे जाता हूं। मेरे लिए स्वदेशी वो है चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी विदेश से आती है, बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर आती है, लेकिन भारत में अपना प्रोडक्ट बनाती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है,
उद्योग लगाती है, भारत की विकास दर को बढ़ाती है और भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल करके करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट मंजूर है। अगर यहां नहीं बनाती है तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट मंजूर नहीं है। क्या हम इस विषय की और भी सोच सकते हैं कि दुनिया भर की एक इतनी बड़ी मार्केट यहां पर उपलब्ध है, हम दुनिया को मजबूर करें कि हम आपका प्रोडक्ट तब लेंगे जब उसके पीछे स्टैंप लगी होगी कि ये मेक इन इंडिया है। अगर मेरे मोबाइल के डब्बे के पीछे मेक इन इंडिया की स्टैंप नहीं लगी तो मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे कपड़े मेक इन इंडिया तो मैं नहीं खरीदूंगा, मेरा चश्मा मेक इन इंडिया नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। इट कुड बी अ ग्लोबल ब्रांड बट दे हैव टू कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। आई विल ओनली एक्सेप्ट दोज प्रोडक्ट्स हु आर मेड इन इंडिया। अगर आज हम उस भावना को वापस खड़ा कर पाए तो दुनिया आपके कदमों पर चूमे। क्यों नहीं आएंगे? आज दुनिया भर में एक पारदर्शिता वाली सरकार भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम दुनिया भर में भारत ने लॉन्च किया है। दुनिया की सबसे बड़ी मैन पावर कहीं पर है तो हिंदुस्तान में है, उसको स्किल प्रोवाइड करने का प्रयास किया है तो मोदी सरकार ने किया है। हम अपने देश को स्वच्छता भारत के माध्यम से स्वस्थ सुंदर बनाएंगे। जब स्वच्छ होगा तो स्वस्थ भी होगा और सुंदर भी होगा। और जब योग के माध्यम से हम एक अच्छा जीवन देने की बात करेंगे, हम लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे कि आज इतने दबाव की जिंदगी जीने वाले लोग अगर प्रतिदिन आधे घंटे से एक घंटा अपने ऊपर खर्च करते हैं, आपको कोई 10 लाख रुपए का जिम्नेजियम घर में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रति महीना किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आपको चंद योग की क्रियाएं करके अपने आप को स्वस्थ रखना है। आज अगर भारत के आंकड़े देखे जाएं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस चीज की आज प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है? डायबिटीज एंड ओबेसिटी, मोटापे की और शुगर की। क्यों है? क्या हम प्रतिदिन इतने दबाव में जीते हैं या हमारे खाने की प्रॉब्लम है, डाइट प्रॉब्लम है, या हम कोई कसरत व्यायाम नहीं करते? 70% महिलाएं अनिमिक हैं, खून की कमी है, 50% से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये अलग समस्याएं भी हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं इसके कारण भी हैं कि समाज में जागरूकता ही नहीं है। क्या केवल एक दिन को हम योग दिवस के रूप में मनाएंगे? क्या केवल एक दिन को हम स्वच्छता के रूप में मनाएंगे? क्या हम केवल स्किल इंडिया का नारा देकर घर पर जाकर सो जाएंगे? क्या हम केवल सरकार के ऊपर निर्भर करेंगे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वो करेंगे? क्या कुछ राज्यों में जहां पर कन्या भ्रूण हत्या की समस्याएं हैं, या हम पूरे देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और कन्या बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए इन 5 क्रांतियों में अपना पूरा योगदान देंगे? आपके मन के करीब जो भी सब्जेक्ट है आप ये मन में लेकर चलिए कि ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम नहीं है, ये मैं आज भारत में मैंने जन्म लिया है, मुझे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर उनके पचनों पर चलते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनकी सरकार के जो इतने बढ़िया कार्यक्रम हैं उनको जन जन तक पहुंचाकर जनता को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ना है, जागरूकता फैलानी है, अपने देश में क्रांति लानी है, तो मुझे अपने घर से अपनी गली से अपने मोहल्ले से लेकर इस देश में क्रांति लानी है, तो क्रांति दूत मैं हूं जो अपने घर से क्रांति की शुरुआत करूंगा और पूरे देश भर में क्रांति लेकर आऊंगा। जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं जगती है, जब तक हम दिल से इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ते हैं, जब तक हम प्रतिदिन ये नहीं सोचते कि मैं इस कार्यक्रम को और सुंदर और आकर्षक और एक्सेप्टेबल कैसे बना पाऊं, तब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा।
हर राज्य में अपनी अपनी भाषा है, हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति है, हर राज्य में अलग अलग तरह के प्रचार और प्रसार के माध्यम हैं। क्या इतना जागरूक करना मुश्किल काम है कि से नो टू लिटरिंग यूरिनेटिंग इन पब्लिक? क्या मुश्किल काम है कोई? केवल लोगों को याद करवाने की जरूरत है कि हम लिटरिंग स्पिटिंग यूरिनेटिंग इन पब्लिक से नो टू दैट। केवल प्रतिदिन व्यक्ति के दिमाग में बात याद आती रहेगी। अगर वो 30 बार भी इसको सुनेगा तो बाद में उसको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती, अभ्यास हो जाता है। अगर बच्चों के स्कूल में जाकर हम एक साबुन एक बच्चे को देते हैं और ये कहते हैं कि आज का खाना तुमने हाथ धोने के बाद खाना है, शौच जाने के बाद हाथ धोने हैं, अपने नाखून काटकर अपने हाथ की सफाई रखनी है, साफ सुथरा पानी पीना है, तो हम स्वच्छता अभियान के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक भी करेंगे और स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के नारे को भी सशक्त करेंगे, तभी सशक्त भारत बन पाएगा। हम अपने कार्यक्रम में किस तरह की क्रिएटिविटी लाएं, मैं चाहूंगा जब आप अलग अलग ग्रुप्स में बैठें, आप विस्तार में चर्चा करने के बाद आपके जो राष्ट्रीय टीम की ओर से आपका क्रांति दूत होगा वो आकर वापस यहां पर अपनी बात रखेगा कि आपके ग्रुप ने क्या तय किया है। मैं केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करता हूं कि जो आपका ग्रुप तय करेगा उसको हम वैसे के वैसे लागू करेंगे। केंद्र की ओर से आपको क्या सहायता चाहिए, आपको हर सहायता मिलेगी, लेकिन मित्रों हर राज्य में अगर आपकी पूरी टीम को मौका मिला है, आपको प्रदेश की टीम में मौका मिला है, तो आप अंदाजा लगाइए हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों में से आप गिने चुने वो लोग हैं जिनको दिल्ली बुलाया गया है इस कार्यक्रम में, जो हम 21वीं शताब्दी में पंच क्रांति के रूप में कहते हैं। ये छोटी बात नहीं होगी जब हम 12 जनवरी को वापस एक बहुत बड़े कार्यक्रम में इकट्ठे होकर मिलेंगे, तब हम सब लोग अपने 4 महीने की उपलब्धियों को लेकर आएंगे और गर्व के साथ ये कह पाएंगे जब वीडियो हमारा स्क्रीन्स पर चल रहा होगा कि मैंने पिछले 4 महीने में वो कर किया है जो शायद मैं पिछले 25 वर्षों में अपने और से अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए नहीं कर पाया। ये 4 महीनों में हमें वो ताकत झोंकनी है कि 1 करोड़ का लक्ष्य भी हमें छोटा लगना शुरू हो जाए, उससे कई गुना बड़े लक्ष्य को हम अचीव कर पाए। अगर हम उसको पूरी प्लानिंग के साथ, एक एक दिन में हमें क्या करना है, एक एक सप्ताह में क्या करना है, अगर वो प्लान आपके पास होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्रांति लाने से नहीं रोक सकती। जो दिखता है वो बिकता है, अगर दिखोगे नहीं तो मुंह छिपाते फिरोगे। इसलिए समाज में जाकर, अपने इलाके में जाकर और नेता बनना है तो पहले अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में नेता बनो। और नेता केवल अपनी गले मोहल्ले तक सीमित नहीं होता, नेता वो है जो कई और नेताओं को पैदा करता है, जो नेतृत्व देता है। और मैन मैनेजमेंट की आप में वो क्षमताएं सब मुझे दिखती हैं, क्योंकि इसीलिए पूरे प्रदेश भर में से केवल आप 5 लोगों को क्रांति दूत के रूप में चुना गया है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जो हमारा 5 क्रांति दूत होगा वो सारे 5 के 5 से रिपोर्टिंग डेली बेस पर लेगा और वीकली रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय को सबमिट करेगा। इसके विस्तार में हम दिन भर में चर्चा करेंगे, लेकिन मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री जी से चर्चा की गई तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता देखने को मिली। हमसे ज़्यादा उनको विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी इस देश में क्रांति ला सकती है। उनको ये लगता है कि हमारे पास वो नौजवानों की फौज है पूरी दुनिया भर में जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अलावा इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए तैयार है। और आज के आपकी जो आपकी चर्चा होगी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि हम अपने सिस्टम के बाहर से कितने और क्रांति दूत 5 क्रांति कार्यक्रम के साथ जोड़कर देश में एक नई क्रांति लाए, चाहे वो इंग्लिश रेवोल्यूशन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, रशियन रेवोल्यूशन हो,
ये जितने भी रेवोल्यूशन आए होंगे, क्रांतियां आई होंगी, आज हमें एक ऐसी क्रांति देश में लाकर खड़ी करनी है जो देश में स्पष्ट संदेश दे पाए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। हमने अपने तिरंगे झंडे को लाल चौक पर भी फहराया है, अब दुनिया भर में तिरंगा सबसे ऊंचा फहराया जाए, भारत विश्व गुरु दुनिया में कहलाया जाए, उसके लिए क्रांति लानी है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जन जन तक पंच क्रांति के कार्यक्रम को लेकर जानी है। आप सब आए, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत।